तो मैं बैठी हूँ अभी अपनी शॉप पर। तो दोस्तों आज मेरे पास कोई भी ब्लॉग नहीं है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। मैं संदीप चला गया था और फिर मैं यहाँ आ गई थी, तो उसके बाद ऐसा कुछ करने के लिए था नहीं। ऊपर से दुकान की सफाई करनी थी, तो इस वजह से मैं कुछ कर भी नहीं पाई। और तो पर मेरे पास एक ब्लॉग है आप लोगों के लिए, उसमें मैंने अपनी हेयर कटिंग कराई थी, वो ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो उसमें थोड़ा सा मेरा लुक चेंज हो गया था, अभी तो मैंने बाल बांध रखे हैं तो इतना पता नहीं चला, पर देखिए अब मेरे बाल छोटे हो गए हैं। मैंने अपने बालों की कटिंग करवाई थी, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि उस समय मैं काफ़ी बिजी थी और मेरे डेली ब्लॉग आते जा रहे थे, तो वो चीज़ नहीं हो पाई। तो चलिए दोस्तों अब मैं वो ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ उसे देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। बताइए दोस्तों आप सभी लोग कैसे, आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। तो दोस्तों देखो कितने सारे कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि दिवाली आ रही है, तो सफाई करने में लगे हुए हैं सबके सब। और मैं इस समय अपने ससुराल में हूँ और आज मैं जा रही हूँ अपना हेयर कट करवाने, क्योंकि बाल मेरे जो हैं थोड़े से अजीब भी हो गए थे और ऊपर से जो मेरे काफ़ी पतले भी हो चुके हैं ये, और ना कोई कटिंग है इसमें, तो मैं सोची क्यों ना इन्हें कट करवा लूँ, थोड़ा सा एक मतलब अच्छा सा लुक दे दूँ अपने आप को। और क्या है मेरा नया लुक मुझे खुद नहीं पता, काफ़ी सरप्राइजिंग हूँ मैं भी, मतलब मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या लुक रखूँगी, कौन सी कटिंग करानी है, तो वहीं जाके पता चलेगा। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और पूरी वीडियो देखिए। ये आया हुआ है हमारे चाचा जी का बेटा और सबसे छोटा बेटा है, वहाँ देखो पीहू बैठ के पॉपकॉर्न खा रही है। और मैंने आपको अभी तक अपना रूम नहीं दिखाया, तो मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। हम सेकंड फ्लोर में रहते हैं और ये है मेरा रूम। अभी तो पीहू ने पूरा अस्त व्यस्त कर दिया है रूम मेरा, तो मुझे इसे साफ करना है। वैसे मैं एक बार साफ कर चुकी हूँ सुबह, पर ये वही है ना कि बच्चे जो है घर को साफ नहीं रहने देते, तो उस वजह से। तो ये हमारा रूम है। अभी मैं सूटकेस जो लेके आई थी, हाँ कर लिया, सूटकेस लेके आई थी वो भी ऐसी रखे हुए हैं, अभी सामान वगैरह भी सेट नहीं हुआ है। तो एक बार तो मैं सफाई कर चुकी हूँ पूरे घर की, पूरे रूम की और किचन वगैरह की, पर दोबारा ये है ना कि फिर बच्चा तो कर ही देता है, तो उसने फिर से बेड वगैरह सब गंदा कर दिया, पर कोई बात नहीं। अभी तो मतलब परसों ही हम जब आए थे उसके बाद मैंने काफ़ी इसकी सफाई करी, धूल धड़ का बहुत हो गया था, उसे साफ किया। अब इसको सजाना है, रूम को अच्छा करना है, क्योंकि दिवाली के लिए तो रूम जो है थोड़ा सा फूलों से मतलब जैसे सजाया जाता है, दिवाली की तैयारी की जाती है, वो चीज़ की जाएगी। और बाकी कि ये मेरा किचन है, छोटा सा किचन है मेरा ये, और अभी परसों ही सफाई करी इसकी भी मैंने, पूरा साफ किया है। वो देखो बाहर से चिड़िया है ना, वो हमेशा इस पर चोंच मारती रहती है, हमेशा ही इस पर मतलब कि आएगी और इसे पे चोंच मारती रहेगी, तो मैं इसको ही देखती रहती हूँ, मज़ा आता है इसे देखने में भी। मिलते हैं नए लुक में। ओके तो चलो चलते हैं। वो हम जा रहे हैं आज, सुनीता है, सुनीता हेलो बोल दे, काफ़ी टाइम बाद मेरी वीडियो में देखने को मिली होगी। और जैसे ठंडों के दिन है तो इस समय ठंडों के दिन यहाँ पे बहुत अच्छे गुजरते हैं क्योंकि धूप अच्छी रहती है, और जनवरी में थोड़ी बेकार हो जाते हैं क्योंकि उसमें कोहरा बहुत रहता है ना। तो अभी देखो यहाँ पर भी बारिश हो गई थी, तो धान है गेहूँ है तो धान की कंडीशन भी कितनी बुरी हो गई है। तो चलो अब जाते हैं हम शॉप पर, और आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। किसके नाम से मिले? तो दोस्तों ये है मेरी कलानी, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर है, जो मुझे गांव से जानते हैं तो उन्होंने देखा नहीं होगा, तो मैं उन्हें दिखा दूंगी। ये है काशीपुर, मानपुर, काशीपुर में मानपुर वाली जगह, बिजली हैडल के पीछे, और ये हमारी कलानी है। ये देखो यहाँ पे अभी बिजी चल रहे हैं, और मैंने सोचा था मैं सबसे पहले आऊंगी, पर यहाँ तो पहले से बहुत कस्टमर आ गई। अब मेरे भी काटेंगे कट 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 कट। तो अब मेरी बारी आने वाली है और रेडी हूँ मैं अपने बालों की कुर्बानी देने के लिए। तो दोस्तों मैं तैयार हूँ अपने बालों की कुर्बानी देने के लिए। अब भैया इसमें मेरा पूरा साथ देंगे अच्छे से कटिंग करना भैया। कब ओपन करी भैया आपने शॉप? अच्छा लॉकडाउन से पहले। हाँ तब हम अब आ रहे हैं ना यहाँ 3-4 महीने से। किधर? हम वैसे रहते तो यहीं के हैं, पर गांव गए थे ना, और फिर मैं पूरा मार्केट घूम के आई कल कटिंग के लिए, फिर मुझे पता नहीं क्यों कहीं अच्छा नहीं लगा, मैंने कहीं यहाँ कटवाती हूँ, यहाँ जाती हूँ। पूरी मार्केट में आप घूम गए? हाँ कल मैं मार्केट ही तो घूम रही थी, मैंने तो संदीप ने कहा यहाँ ट्राई कर दो अपनी कॉलोनी में। तो चलो मैं रेडी हूँ दोस्तों, मैं रेडी हूँ और
देती हूँ भैया कौन सा लुक देते हैं मुझे। ये है मेरे बाल, अभी का लुक देख लो मेरा, बाद का लुक बाद में देखना। हे दोस्तों, तो ये मेरा फाइनल लुक है और बाकी मैं घर में जाके इसे सेट कर लूँगी, अच्छे से बन जाऊँगी ना, मैं तो भूत लग रही हूँ तो, पर कोई बात नहीं। पर ये मेरा फाइनल लुक है और जो मेरे डैमेज बाल थे भैया ने सारे निकाल दिए हैं और बहुत अच्छा मुझे लुक दिया है और मुझे काफ़ी पसंद आया ये, क्योंकि पहले तो मैं ऐसी रहती थी पर अब थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो थैंक यू भैया। और भी अगर आप लोकल में रहते हैं तो यहाँ के कटिंग करा सकते हैं और काफ़ी मतलब जो प्राइस है इनके काफ़ी सही लगे मुझे, प्राइस के हिसाब से जो कटिंग है इनकी बहुत अच्छी लगी। तो चलो दोस्तों, अभी मैं आपको घर में जाके आगे का वीडियो बनाती हूँ, तब तक मैं घर चलती हूँ। ओके बाय। दोस्तों तो देखो मेरे बालों की कटिंग कितनी सुंदर लग रही है ना मैं, और यहाँ मेरे पति देव भी हीरो बनने को तैयार हो गए हैं। तो यहाँ देखो वो भी आ गए बालों की कटिंग कराने के लिए, हीरो बना देना इन्हें भी। मैं तो अपने बालों से बात करूँ। हे दोस्तों, तो देखो मेरी कटिंग हो चुकी है और संदीप ने भी अपने बाल कटवा लिए, पीहू ने भी, और त्यौहार है भाई तो त्यौहार में पहले खुद की सफाई होनी ज़रूरी है, तो इसलिए हमने थोड़ी सी कटिंग वगैरह करा ली है। अब हम जा रहे हैं अपने घर क्योंकि मेरी सिस्टर आई है, तो चलो वहाँ के लिए रेडी होते हैं और निकलते हैं। ओके। और यहाँ देखो इन दोनों की शैतानी, ये दोनों भतीजी और चाचा हैं और लग रहे हैं भतीजी चाचा होंगे, दोनों इतनी लड़ाई करते हैं, शैतानी इनकी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो चलो दोस्तों इन्हें करने देते हैं शैतानी और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।